कटिहार पुलिस पंजाब के अमृतसर में तीन दिनों से ढूंढ रही है पूर्व क्रिकेटर सह कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू को। दरअसल बारसोई थाना कांड संख्या 93/19 के आरोपी हैं कांग्रेस के पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। कटिहार आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि बारसोई थाना में 16/4/19 को कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में प्रचार के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हेट स्पीच का प्रयोग करते हुए भावना भड़काने का प्रयास किया था। मजिस्ट्रेट के आवेदन पर बारसोई थाना में कांड संख्या 93/19 का एक मामला दर्ज किया गया। इसी आरोप पर बारसोई थाना के जांच अधिकारी जनार्दन राम और जावेद आलम को अमृतसर भेजा गया, जहां तीन दिनों से पुलिस के अधिकारी मामले पर अनुसंधान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू फरार हैं। फिलहाल कटिहार में फरार है गुरु का चर्चा हर जुबान पर है। क्या आप सब इन्हीं के लिए हो? और आज साजिश हो रही है, आज पूर्णिया में मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं। मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे, मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं वो, ये मेरी पगड़ी है। आप सब लोग पंजाब में भी काम करने जाते हो और पंजाब में आपको हमारी तरफ से प्यार मिलता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो पंजाब में, मैं मंत्री हूं, जिस दिन पंजाब आइएगा सिद्धू को अपने साथ खड़ा पाइएगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा। लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आया हूं बहनों भाइयों, ये बांट रहे छक्का लग जाएगा। मैं जब जवान था तो छक्का मारता, अभी भी जवान हूं भैया, अभी कौन सा मैं जवान नहीं हूं। तो एक छक्का मारा और छक्का मार के बॉल बाउंड्री के पास, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मार ठोकर ताली। पंजाब में ठगे क्या है पूरा मामला? बारसोई थाना अंतर्गत 16 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा में माननीय विधायक श्री नवजोत सिंह सिद्धू महोदय द्वारा एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक भाषण दिया गया था, जिस संदर्भ में बारसोई थाना कांड संख्या 93/19 दर्ज किया गया है। उसी कांड के अनुसंधान एवं अन्य कार्य हेतु अनुकर्ता अमृतसर उनके आवास पर गया हुआ है। कितने दिन से वहाँ है कटिहार? वहाँ कटिहार के पुलिस लगभग 3 दिनों से उनसे भेंट करने का प्रयास कर रही है और अनुसंधान कर रही है इसका।